हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। मैं एक बार भूपेंद्र पांडे का इसमें जैसा कि आप लोगों को सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन मैकेनिकल सिक्स सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पे सेकंड चैप्टर है आप लोगों को सीएनसी मशीन। तो यहाँ पे संरचना एंड टूल, ठीक। तो यहाँ पे आप लोग को सीएनसी मशीन वेट क्या होता है, ठीक, यहाँ पे किस बेस पे होता है इसका, इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, यहाँ पे कहाँ से यूजेस किया होता है, तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आप लोग को बात करने के मिलेगा, यानी आप लोग को बताने को मिलेगा, ठीक। तो यहाँ पे ये कितने प्रकार के होते हैं, इसका लाभ क्या होता है, ठीक, ये किस मेटल से बने होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आप लोग को स्टेप बाय स्टेप देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे वीडियो लास्ट तक देखनी है आप लोग को, तभी आप लोग को समझ में आएगा। तो यहाँ पे ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करता हूँ, ठीक। जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सीएनसी मशीन बेड क्या होता है, मीन्स यहाँ पे जैसे कि आप लोग को कोई भी सीएनसी मशीन के किसी भी पार्ट को या फिर ड्रिलिंग या फिर कोई भी कार्यखंड को करना है, ऑपरेशन करना है, तो यहाँ पे सीएनसी मशीन बेड तो वहाँ पे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। और ये कहाँ क्या होता है, या कठोर संरचना होती है जो फर्श पर बद्ध होती है, ठीक। यहाँ पे कहाँ पे फिक्स की जाती है, जो आप लोग को फर्श पर बद्ध हो जाती है, ये अत्यधिक कठोर होती है, ठीक। और किससे बनी होती है आप लोग को, ये ढलवा लोहा, ठीक, ढलवा लोहे का अधिकतर ये ढलवा लोहे की ही बनाई जाती है। और इसमें लगभग कम से कम 5 गाइड मार्ग होती हैं, ठीक। तो गाइड मार्ग कौन कौन से होते हैं, ठीक, वो आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक, नीचे। तो यहाँ पे आप लोग को जैसा कि आप लोग को मशीन बेड पूरी लंबाई में फर्श पर बद्ध की जाती है, तो यहाँ पे पूरी जितनी लंबाई होती है, ठीक, फर्श की, वो किस में बद्ध होती है, फर्श पर बद्ध की जाती है, यानी फिक्स कर दी जाती है, ठीक। इसके लिए फर्श पर फाउंडेशन का निर्माण किया जाता है, ठीक। सीएनसी मशीन बेड में समानता 5 गाइड मार्ग बने होते हैं जो भार को सहन करने के लिए किया जाता है। किसका जो गाइड मार्ग होते हैं, किसके लिए किया जाता है, किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो वो क्या किया जाता है, जो भार जो सीएनसी मशीन पे ऑपरेशन किया जाएगा उसमें जितने भी लोड लगेंगे तो उनको सहारने के लिए हम क्या करते हैं, सीएनसी मशीन बेड का प्रयोग करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे गाइस आप लोग को जैसा कि आप लोग को यहाँ पे कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट आ जाता है 3 गाइड मार्ग टैरेट तथा अवगमन के लिए बने होते हैं, और 2 गाइड मार्ग टेलेस्टॉक तथा अवगमन के लिए बने होते हैं, ठीक। क्या होता है, सीएनसी मशीन बेड 2 टाइप का होता है, या 3 गाइड मार्ग होते हैं या फिर 2 गाइड मार्ग होते हैं, ठीक। जैसा कि आप लोग को एक इस टाइप का हो जाएगा, ठीक, ये 2 गाइड मार्ग हो गया, और बीच में एक सहारने के लिए आप लोग का यहाँ पे कुछ और दे दिया जाता है, तो ये किस कितने अंतर्गत आता है, 3 गाइड मार्ग के अंतर्गत आ जाता है, ठीक। तो यहाँ पे गाइस जैसा कि आप लोग को स्लाइड मार्ग, यहाँ पे ये स्लाइड मार्ग क्या होती है, ये एक प्रकार से बता दिया कि सीएनसी मशीन में बेड के जो कि बताया गया कि बनाया गया तो होता है, तो यहाँ पे टूल्स को इधर उधर करने के लिए हम स्लाइड मार्ग का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे डिफिनेशन के माध्यम से देख पा रहे हैं, यह हाइड्रोलिक स्लाइड मार्ग कहा जाता है, ठीक। ये किसके माध्यम से बनाया जाता है, यह हाइड्रोलिक्स माध्यम से बनाया जाता है, जो मशीन बेड टूल पोस्ट तथा टेलीस्टोक की गति के लिए प्रयोग किया जाता है। जो टूल पोस्ट होता है, और यानी आप लोग को एक बता दें कि हेडस्टॉक और टेल स्टॉक के बीच में, हेडस्टॉक और टेल स्टॉक के बीच में जो टूल पोस्ट लगा होता है, उनकी गति को इधर उधर करने के लिए हम स्लाइड मार्ग का प्रयोग करते हैं, ठीक, प्रयोग किया जाता है। तो स्लाइड मार्ग का डिजाइन इस प्रकार किया जाता है कि धातु से धातु संपर्क में टूट फूट में हानि से कम ना हो, ठीक। तो यानी स्लाइड मार्ग का डिजाइन इस प्रकार के किया जाता है कि जो आप लोग का कारखंड है और टूल है, दोनों बांधा जाए तो ऑपरेशन किया जाएगा, तो उसमें विभिन्न प्रकार के जो ऑपरेशन है वो सही ढंग से किया जाए, तो टूल में और कारखंड में विभिन्न प्रकार के टूट फूट ना हो, तो उनको इस प्रकार से संबंध यानी फिक्स किया जाता है बेड में, ठीक। नेक्स्ट आता है आप लोग को पुनः प्रवाल बाल स्क्रू, तो यानी ये सभी पार्ट क्या होते हैं, सीएनसी मशीन के बेड में लगे होते हैं, ठीक। आप लोग को पेपर में दे दिया जाएगा सीएनसी मशीन बेड क्या होते हैं, इनके विभिन्न पार्टों को वर्गीकरण कीजिए या फिर विभिन्न प्रकार पार्टों को समझाइए, ठीक। तो यहाँ पे आप लोग को पुनः प्रवाह बाल स्क्रू आता है, तो यहाँ पे क्या इसका प्रयोग किया जाता है, घर्षण में हानि तथा शक्ति पारेषण में हानि को कम करने के लिए पुनः बाल स्क्रू का प्रयोग किया जाता है। अब कोई भी कारखंड ऑपरेशन करना है, ठीक, तो यहाँ पे जो एक प्रकार से एक ये कार हो गया, ठीक, मशीन हो गई, और एक प्रकार की ये मशीन हो गई, तो इनके बीच में जो घर्षण होता है उनको रोकने के लिए या फिर कम करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, पुनः बाल स्क्रू का प्रयोग करते हैं। तो ये किस प्रकार के होते हैं, ये आकृति के यहाँ पे प्रयोग के आधार पे इनको आकार दिया जाता है, ठीक। नेक्स्ट आता है जैसा कि आप लोग को इसका लाभ क्या होता है, रोलिंग घर्षण के कम के कारण निम्न टूट फूट, यानी रोलिंग घर्षण जो होता है, तो यहाँ पे जो कम टूट फूट होती है, ठीक, यहाँ पे रोकने के लिए टूट फूट के लिए या फिर घिसकने के लिए कम किया जाता है, ठीक, तो उसका उपयोग किया जाता है। परंपरागत लीड स्क्रू के कारण निम्न शक्ति हानि, जैसा कि आप लोग को अब सही ढंग से 2 स्लाइड
आपस में मोड़ रही हैं या फिर शक्ति परीक्षण कर रही हैं, तो उनके बीच में घर्षण कम हो जाएगा, तो उनकी शक्ति क्या हो जाएगी, अधिक होगी ना। अब घर्षण होगा तो उनकी शक्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो उनको कम करने के यानी ज़्यादा करने के लिए हम पूनापाल स्क्रू का प्रयोग करते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है अच्छ ड्राइव तथा अच्छ मोटर। अच्छ ड्राइव क्या होती है और अच्छ मोटर क्या होता है। जैसा कि आप लोग को अच्छ ड्राइव, जैसा कि एक्सेस यानी कोई भी कार्यखंड हो रहा है तो उनको एक दिशा में क्या किया जाएगा, ठीक, अच्छ ड्राइव का प्रयोग किया जाता है, यानी एक दिशा में समांतर दिशा में किया जाएगा तो उनको अच्छ ड्राइव। और ठीक, अच्छ मोटर, अच्छ मोटर तो वही आ जाता है कि जैसा कि आप लोग को ड्राइव के माध्यम से घूर्णन करवाना है, मोटर का उपयोग आप लोग को पता ही होगा। ठीक, तो ये कितने प्रकार के होते हैं, ये तीन चार प्रकार के होते हैं। बेल्ट तथा पुली ड्राइव हो जाएगी, चैन पुली तथा स्पोक्राइड ड्राइव होगी, रैक एम पिनियन हो जाएगा, लीड स्क्रू हो जाएगी। बेल्ट और एम पुली ड्राइव, जैसा कि आप लोग को कोई भी ऑपरेशन मीन्स यहाँ पे दो पुली लगा दिया जाए, ठीक, इनको चलाने के लिए हम जैसे चलाने के लिए बेल्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं, चैन का भी प्रयोग कर सकते हैं, रैक एम पिनियन यानी गियर्स। रैक एम पिनियन गियर्स कैसे होते हैं आप लोग को, इस टाइप का होता है, ठीक, यहाँ पे, और ये दो टाइप का गोले टाइप का हो जाता है, तो इसमें दोनों तरफ से खांचे बने होते हैं, तो ये उनके ऊपर दोनों के ऊपर चलता है। ठीक, यहाँ पे आप लोग को बता ही होगा। ठीक, नेक्स्ट आता है लीड स्क्रू। लीड स्क्रू का प्रयोग कर, जैसा कि आप लोग को एक घूर्णन टाइप में हो जाता है, ठीक, वो लीड स्क्रू होता है। ठीक, नेक्स्ट आता है सीएनसी मशीन स्पेंडल ड्राइव तथा मोटर्स। ठीक, यहाँ पे इसका स्पेंडल ड्राइव क्या होती है और इसमें मोटर कौन कौन से उपयोग किए जाते हैं, जैसा कि आप लोग को स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं। तो सीएनसी मशीन टूल को स्पेंडल ड्राइव को उच्च गति की आवश्यकता होती है। सीएनसी मशीन में जो ऑपरेशन किए जाते हैं तो उनकी उच्च चाल पे चलाने के लिए आवश्यकता होती है। ठीक, यदि वेग और गति में किसी प्रकार की त्रुटि हो तो निम्न गुणवत्ता कारखंड पर मशीनन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो यानी स्पेंडल ड्राइव एवं मोटर का प्रयोग क्यों किया जाता है कि कोई भी कारखंड दे दिया जाए, ठीक, अब कारखंड में वर्क करना है तो उनको किस वेग पे वर्क करनी है वो आप लोग के आ जाता है स्पेंडल ड्राइव और मोटर के अंतर्गत आ जाता है। ठीक, तो उन्हीं को कारखंड पे कोई भी वर्क कर रहा है तो उसमें कुछ प्रकार की गुणवत्ता के कारखंड में प्राप्त हो जाए, मीन्स यहाँ पे कोई भी त्रुटि हो जाए तो उनको कितने भागों में किया जाएगा, दो भागों में किया जाएगा। ठीक, जैसा कि आप लोग को वायवीय शीतल स्पेंडल और द्रवीय शीतल स्पेंडल। वायवीय द्रव्य शीतल स्पेंडल में क्या होता है, जैसा कि आप लोग को मीटर मोटर हीट हो गया, ठीक, ज़्यादा सीएनसी मशीन पे कोई वर्क किया जा रहा है तो वहाँ पे उसका मोटर हीट हो गया, ठीक, तो उसको किस प्रकार से ठंडा किया जाएगा, तो किसके माध्यम से, वाय शीतल स्पेंडल मोटर, तो वानी वाय से, यानी वाय को चलाकर, वायु हवा जिसे बोल सकते हैं, हवा पंखा चलाकर या फिर कुछ इस प्रकार के मोटर फिक्स कर दिए जाए कि वो आपस में वर्क भी होता रहे और आपस में ठंडा भी होता रहे। ठीक, किसके माध्यम से आता है, वायवीय शीतल स्पेंडल के माध्यम से आ जाता है। नेक्स्ट आता है द्रवीय। द्रवीय में क्या होता है, अब वही द्रव का प्रयोग करके यानी पानी का प्रयोग करके मोटर को ठंडा किया जाए, ठीक, तो वो किसके अंतर्गत आता है, द्रवीय शीतलक स्पेंडल मोटर के अंतर्गत आ जाता है। ठीक, यहाँ पे गाइस आप लोगों को सीएनसी स्पेंडल ड्राइव में मोटर शीतलक क्या होता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, ड्राइव अच्छ मोटर क्या होती है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि आप लोगों को एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं हर बार बताता हूँ, ठीक, तो उन्हीं टॉपिक्स को आप लोग पढ़िए और एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे परफॉर्म्स कर पाओगे। तो यहाँ पे सीएनसी मशीन स्नेहन प्रणाली। स्नेहन प्रणाली क्या होती है, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि कोई भी कारखंड दे दिया जाए तो उसमें कटाई तरल यानी अब उनके बीच में जो घर्षण वगैरह हो उनको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, स्नेहन का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो ये स्नेहन दो प्रकार का हो जाता है, शीतलन हो जाता है, स्नेहन की कटाई तरल का प्रयोग किया जाता है। एक प्रकार का शीतलन हो गया और एक प्रकार का द्रवीय हो जाता है। ठीक, यहाँ पे द्रव का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पे ठीक एक हो जाता है ग्रीस वगैरह प्रयोग करके लगाया जाता है और एक हो जाता है कि ठंडा वायु का प्रयोग करके या फिर जल का प्रयोग करके काम किया जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट आता है जैसा कि आप लोग को शीतलन। शीतलन क्या होता है, सीएनसी मशीन में संक्रियाएँ सतत तथा ऊष्मा करती है। ठीक, अब कोई भी कारखंड में ऑपरेशन हो रहा है भाई किसी भी मशीन में, तो उनमें आपस में अगर दोनों में घर्षण हो रहा है तो उसमें क्या हो जाएगा, उस पर ऊष्मा उत्पन्न होगी। ठीक, आपस में, तो मशीनन क्षेत्र में उत्पन्न ऊष्मा को बाहर करने के लिए यानी कम करने के लिए क्या इसका प्रयोग किया जाता है, शीतलन का प्रयोग किया जाता है। शीतलन की सहायता से कारखंड टूल तथा चिप्स में उत्पन्न ऊष्मा को कम किया जा सकता है। अर्थात वही बताया गया कि कोई भी ऑपरेशन किया जा रहा है, दो ऑपरेशन, दो कारखंड यानी दो टूल्स आपस में मिल रहे हैं तो उसमें उनके बीच में काम करते करते ऊष्मा उत्पन्न हो गई और ऊष्मा को कम करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, शीतलन का प्रयोग करते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है कि स्नेहन। स्नेहन क्या होती है,
स्नेहन आ जाता है। स्नेहन संक्रियाओं में लगभग दो तिहाई कारखंड में कटाई बल के रूप में द्वारा किया जाता है। ठीक, कटाई तरल का प्रयोग वहाँ प्रयोग किया जाता है, चिप्स उत्पन्न होते हैं, टर्निंग प्रक्रम तथा कटाई नोजल का प्रयोग उसमें निर्देशित किया जाता है। स्नेहन दो प्रकार का प्रयोग किया जाता है। दो मीन्स यहाँ पे कोई भी कारखंड दे दिया जाए, यानी कारखंड या टूल्स वर्क कर रहे हैं उनको उनके बीच उष्मा को कम करने के लिए किया जा सकता है। ठीक, और एक प्रयोग कर दिया जाए कि जैसा कि अभी कोई भी ऑपरेशन किया जा रहा है तो उसमें जो छिलके हो गए, चिप्स उत्पन्न हो रहे हैं, ठीक, उनको बहाने के लिए, यानी तरल रूप से एक प्रकार से समान रूप से बहने के लिए हम स्नेहन का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, जैसा कि आप लोगों को डिफिनेशन के माध्यम से बताया गया है कि टर्निंग ऑपरेशन में कटाई तरल नोजल के टूल्स में ऊष्मा निर्देशित किया जाता है। ठीक, यानी ऊष्मा को भी कम करने के लिए किया जा सकता है और कटाई तरल का प्रयोग वहाँ किया जाता है चिप्स उत्पन्न हो, चिप्स जहाँ उत्पन्न हो रही, मीन्स यहाँ पे चिप्स का मतलब क्या है, छिलका जहाँ उत्पन्न किया जाता है उनको बहाने के लिए हम स्नेहन का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है चिप्स तथा तारण या परत को हटाना। ठीक, जैसा कि आप लोग को बताया गया किसके माध्यम से हटाया जाता है, ठीक, जो ऑपरेशन हो रहा है तो उसमें कारखंड में कोई भी ऑपरेशन किसी टूल्स के माध्यम से तो उसमें कुछ ना कुछ छिलके होंगे। ठीक, उनको हटाने के लिए कौन कौन से टूल्स का प्रयोग कर जाता है, मीन्स यहाँ पे कौन कौन से विधि उत्पन्न की जाती है, ठीक, उसी को आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक, यहाँ पे डिफिनेशन के माध्यम से परत को चिप्स भी कहा जा सकता है, यानी लेयर जिसे बताते हैं, कार्यखंड में दे दिया गया जैसा कि अब टूल ऑपरेशन के माध्यम से जिसे हटाया जाए, यानी अनावश्यक पदार्थों को हटा दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं, चिप्स कहते हैं। ठीक, या धातु व्यर्थ के टुकड़े होते हैं, यानी किसके होते हैं, धातु के मेटल यानी कारखंड के व्यर्थ टुकड़े होते हैं। ठीक, अनावश्यक पदार्थ होते हैं। ठीक, जो विभिन्न मशीनन संक्रियाओं जैसे टर्निंग हो गया, बोरिंग हो गया, ग्राइंडिंग हो गया आदि से प्राप्त होते हैं। तो किसके माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं, टर्निंग, कोई भी कारखंड पर टर्निंग किया गया तो उसमें जो अनावश्यक पदार्थ यानी व्यर्थ पदार्थ हो गए उन्हें निकाला गया तो उन्हीं को हम कहते हैं चिप्स कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ग्राइंडिंग हो गया आदि से प्राप्त होते हैं। इन परतों का समय समय पर नहीं हटाया जा सकता, हटाया गया तो कटाई प्रक्रम में अवरोध उत्पन्न हो गया। जैसा कि आप लोग को बताया गया कोई भी कारखंड में वर्क कार्य किया जा रहा है तो उसमें विभिन्न प्रकार के चिप्स उत्पन्न होंगे। ठीक, और उन्हें सही टाइम पर अगर हटाया नहीं गया तो कारखंड में क्या हो जाएगा, उनका दृढ़ता को निर्देश यानी निर्देश सही ढंग से नहीं हो पाएगा, यानी आपका कारखंड में काटने में अवरोध उत्पन्न होगा। ठीक, एक प्रकार से बताया गया जाएगा। तो ठीक, नेक्स्ट आता है परत को हटाने का सबसे उपयुक्त मधाई माध्यम कटाई तरल होता है। ठीक, तो इसके किसके माध्यम से हटाया जाता है, तरल के रूप में, यानी पानी का प्रयोग करके, तरल लिक्विड एक प्रकार से बोल पाते हैं। तो जैसा कि आप लोग को जो उच्च दाब पर कटाई क्षेत्र में प्रवाहित किया जाता है और नीचे ले बने हुए कन्वर्टर की सहायता से इन्हें इकट्ठा होकर निकाल से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक, यहाँ पे आप लोग को चिप्स निस्तारण या परत को हटाना किसके माध्यम से किया जाता है, यानी जल यानी तरल का प्रयोग करके, ठीक, किया जाता है। तो आई होप गाइस आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग का रहेगा यानी चैप्टर 3, ये चैप्टर आप लोग का समाप्त होता है। चैप्टर 3 में क्या रहेगा, पार्ट प्रोग्रामिंग क्या होती है, ठीक, उसके बारे में आप लोग को बाद में मिलेगा। ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।